बहुत साल पहले नेपाल के एक गांव में एक किसान रहा करता था। इस किसान के पास एक छोटी सी बछिया थी, बिजली। सारा दिन खेतों में, चरागाह में वो किसान के पीछे पीछे घूमा करती थी। एक दिन किसान को एक सांप काट गया। उसके बेटे ने कोशिश तो बहुत करी, पर वो किसान को बचा नहीं पाया। अब ये बेटा बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने सारे खेत चरागाह बेच के 19 नई नवजात बछिया खरीद ली, बेबी बछिया, और उसने उनको नाम देने की बजाय नंबर दिया, 1 से 19। अब वो बिजली और 1 से 19 को खिलाता तो बहुत अच्छे से था, पर ये लोग सारा दिन एक ही कमरे में बंद रहते थे। अब बाहर ना जाने की वजह से जीवन तो इन सभी का नीरस था, पर 1 से 19 को तो पता भी नहीं था कि ऐसा क्यों है। भाई, आपने जो अनुभव ही नहीं किया, आपको क्या पता कि आपके जीवन में कमी आखिरकार उस चीज की है। पर हमारी बिजली तो बाहर बहुत घूमी थी और साल में 364 दिन वो बाहर जाने को तड़पती थी। साल में जो एक दिन किसान का बेटा उसको बाहर ले जाता था, वो था पड़ोस के बैल से मिलवाने के लिए। तो बिजली को बाहर जाना भी अच्छा लगता था और बैल के साथ वक्त बिताना भी। तो बाहर जाना, मिलना और फिर बिना टिकट लिफाफे की तरह वापस घर लौट आना, यही बिजली के जीवन की हाईलाइट थी। पर इस एक दिन के लिए बिजली 1 से 18 से बहुत सी बातें सुना करती थी। वो इसको बेगैरत बताते थे। हमारे समाज में क्या है कि भाई कोई लड़का किसी लड़की के साथ समय बिताना पसंद करे ना, तो ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है। हाँ, पर अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ समय बिताना पसंद करे तो उसको चरित्रहीन कह दिया जाता है। बात गलत है, पर समाज में ऐसा ही चला आया है और जब तक इसको कोई बदलेगा नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। खैर, नंबर 19 जो है बिजली को समझती थी, पर फिर भी उसकी सपोर्ट में आगे नहीं आती थी। जब अपने आंचल पे दाग लगने का खतरा हो ना, तो कोई भी पीछे हट जाता है। तो 364 दिन के ताने और एक दिन की आउटिंग में न जाने कितने साल निकल गए और बिजली बूढ़ी हो गई। अब एक बारी आउटिंग वाले दिन उसको एक भोली सूरत वाला व्यक्ति मिला। उसने कहा, बिजली आ, मैं तुझे घुमा लाता हूँ, और बिजली उसके साथ चल दी। चरागाह के बाद चरागाह, खेत के बाद खेत, फिर नदी, फिर एक पहाड़, फिर एक और नदी, फिर एक और गांव, वो चलते चले गए। बिजली को इतना घूमने को मिल रहा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भोली सूरत वाले व्यक्ति को बोला, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वापस नहीं जाना चाहती। कुछ पल तो वो चुप रहा, फिर वो बोला, बिजली मैं पेशे से कसाई तो नहीं हूँ, पर घर में आर्थिक तंगी के चलते मैं तुझे काटने के लिए बहला फुसला के लाया हूँ। अब बिजली को पता था कि बूढ़ा होने की वजह से उसके पास 1 ही साल बचा है, पर उसका अभी तो घूमने का स्वाद पूरा होना शुरू हुआ था। और जब बात इच्छाओं की आती है ना, तो सबसे पहले सद्बुद्धि खत्म हो जाती है। बिजली बोली कि तू मुझे मत काट, मैं तुझे और भैंसे बहला फुसला के ला दूंगी, तुझे पैसे की कमी नहीं होने दूंगी, और वो भी मान गया। तो किसी के स्वाद और किसी के लालच से जो भैंसे कटने का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज तक जारी है। अब बात गलत है, पर समाज में ऐसा ही होता आया है, और अगर हम इसे बदलेंगे नहीं, तो ऐसा ही होता रहेगा।